इंटर कॉलेज से कक्षा 9 के इंग्लिश ग्रामर के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा है देयर का प्रयोग और सेकेंड पार्ट में है इट, और इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी हैं, अर्थात ये विदाउट सब्जेक्ट यानी जिस वाक्य में कर्ता का अभाव होता है उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि इसके डिफिनेशन या रूल नियम है, जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता का अभाव होता है वहाँ कर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, इट इज़ रेनिंग। 4 बजे हैं, इट इज़ 4 o'clock। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। और एक आखिरी एग्जांपल देखेंगे, जैसे दिया है सन 1947 था। अब ये था है यानी ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इट वाज 1947। ठीक, ये रहा बच्चों। और इसी का अब दूसरे रूल पर हम लोग चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको आप लोग करेंगे। एक और ले लेते हैं, सुबह है, या इसको हम लोग कह सकते हैं सुबह का समय है, तो क्या होगा, इट इज मॉर्निंग। ठीक ठीक है बच्चों, ठीक। अब रूल नंबर 2 लिखेंगे, देखेंगे सर जी, बंद करिए सर जी। है कि जिन वाक्यों में समय दिया हो, दिन दिया हो, महीना हो, साल या मौसम हो, तथा प्राकृतिक घटना जैसे बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, धूप हो गया है, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है आदि, तो उसके बारे में बताया जाए या उसका जिक्र किया जाए, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर या बनावट भी दिया है। बनावट के स्थान पर हमने लिखा है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा, उसके बाद इज या वॉज। यहाँ पर हम लोग विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात जैसे संभावना व्यक्त करें कि आज वर्षा होगी, इट विल रेन टुडे। ठीक, तो ज़्यादातर फ्यूचर में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इज और वाज का ज़्यादातर यूज होता है यानी प्रेजेंट और पास्ट में। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम, जैसा कि समय दिया हो, जैसे 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, जैसे में हम लिखेंगे 5 बजे हैं, तो क्या बोलोगा, सबसे पहले हमने इट लगा दिया, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हमारा यहाँ है यानी प्रेजेंट को इंगित कर रहा है, तो इज, उसके बाद क्या है, अब क्या टाइम है, 5 o'clock। ठीक, दिखाई दे रहा है यानी देख करके इसको समझेंगे। उसके बाद डे दिया है, आज सोमवार है। चलो था में ले लेते हैं, आज सोमवार था, पिछले बीते दिन जा चुके होंगे या, ठीक है, तो क्या होगा, इट के साथ हम लगाएंगे वॉज, उसके बाद मंडे, फिर उसके बाद टुडे। आई बात समझ में, या कह लें मई का महीना था, इट इज मंथ ऑफ मई, या ईयर का हो, जैसे ईयर के ईयर को हम लोग लिख लेते हैं, जनवरी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज जनवरी, इट इज जनवरी। अब हम लोग
चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे कह दें कि आज बहुत गर्मी है, क्या होगा? इट इज, बहुत गर्मी है, वेरी हॉट टुडे, ठीक। बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल में, बर्फ गिर रही है, इसको लिख लें, देख लेते हैं। बर्फ गिर रही है तो क्या होगा? बर्फ गिर रही है तो क्या होगा? इट इज स्नोइंग। ठीक, ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं बच्चों, ऐसे आप लोग करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल आप लोग घर पर करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे क्योंकि मना किया गया है, ठीक। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।